ये दोस्तों, आज की वीडियो में प्रो एक्सपर्ट ऑप्शन का मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस वीडियो के लास्ट तक आप प्रो एक्सपर्ट मोड के एक्सपर्ट बनने वाले हो। और देखिए, जिसके मदद से आप अपने फ़ोन के कैमरे में बहुत अच्छा फोटोग्राफी कर पाओगे। और आप वीडियो को एंड तक देखिए, और उससे पहले आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बगल पर जो नोटिफिकेशन का बेल है उसे भी प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जैसे हम अपना स्मार्टफोन में कैमरा ओपन करेंगे तो सारे ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, नाइट मोड, वीडियो, फोटो और ए पोर्ट्रेट और 48 मेगापिक्सल और मोर ऑप्शन। तो आप वहाँ पे क्लिक करिए और प्रो एक्सपर्ट मोड पे आ जाइए। देखिए, आपके फोन में प्रो एक्सपर्ट मोड अलग साइट पे होगा, लेकिन आप खोज लीजिए आपके फोटो के नाइट मोड के बगल में आपका प्रो एक्सपर्ट मोड होगा। अभी के जो सभी स्मार्टफोन में वहाँ पे होता है। तो जैसे हम प्रो एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार शो होगा। और यहाँ देखिए, बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक लाइट और यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन और यहाँ पे ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस और ऑटो फोकस और EV, ये सारे चीज़ को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ISO। ISO एक आर्टिफिशियल लाइट है। देखिए, अब ये 100 पे है। जैसे हम इसका अमाउंट को बढ़ाएंगे हमारा इमेज का और हमारे सामने जो इमेज है जिसे हम कैप्चर कर रहे हैं उसका ब्राइटनेस को ये बढ़ाएगा आर्टिफिशियली। बिल्कुल एक एक्सपोजर की तरह ये काम करता है। जैसे एडिटिंग में हम एक्सपोजर का अमाउंट को बढ़ा देते हैं तो हमारा इमेज में ब्राइटनेस आता है, वैसे हम एक्सपोजर का अमाउंट को कम करेंगे तो देखिए हमारे इमेज में डार्कनेस बढ़ते जाता है। तो वैसी ये ISO भी काम करता है। दूसरा नंबर पे शटर स्पीड। देखिए, शटर स्पीड को यहाँ पे यस से डिनोट किया गया है। शटर स्पीड क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे कि DSLR में फोटो खींचने के लिए अलग से लेंस लग रहता है, जिसे हम हटाते हैं तो एक स्क्वायर के शेप में एक शटर दिखता है, तो उसे शटर स्पीड, उसे शटर कहते हैं। और इस शटर स्पीड के मदद से हम उस शटर को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप जो इमेज कैप्चर कर रहे हो उसे और उस शटर को कितना देर के लिए आप खुला रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। अभी देखिए, 1 सेकेंड पे है, ये 2 सेकेंड, 1.6 सेकेंड, यानी वो जो शटर है 1.6 सेकेंड के लिए खुला रहेगा। अब ये 2.5 सेकेंड के लिए वो शटर खुला रहेगा और वैसे आप 16 सेकेंड तक आप इस शटर को खुला कर सकते हो इस शटर स्पीड के मदद से। वैसे हम जितना कम करेंगे उतना कम सेकेंड के लिए वो शटर स्पीड खुला रहेगा। देखिए, अब 1/23 सेकेंड यहाँ पे दिया गया, यानी 1 सेकेंड का 23 भाग। देखिए, 1/23 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का 23 मिली सेकेंड तक वो शटर अब खुला रहेगा। तो उसे आप इस शटर स्पीड के मदद से आप कंट्रोल कर सकते हो। देखिए, शटर स्पीड को जितना कम सेकेंड के लिए ओपन रखोगे तो कम लाइट आएगा और ज़्यादा सेकेंड के लिए आप ओपन करके रखोगे तो आपकी इमेज में ज़्यादा लाइट आएगा। तो देखिए, मैं फिलहाल के लिए 16 सेकेंड के लिए मैं इस शटर स्पीड को ओपन रखता हूँ। आप देख सकते हो मैं इमेज कैप्चर कर रहा हूँ तो हमारी इमेज में ज़्यादा अमाउंट का लाइट आएगा। अभी इमेज देख सकते हो, मैं 16 सेकेंड के लिए मैं ओपन किया था शटर स्पीड को तो ज़्यादा लाइट आया। और हम वैसे और कुछ फ़ोटो क्लिक करेंगे समझने के लिए। तो देखिए, मैं इसे 1 सेकेंड का आधा से भी आधा ओपन करता हूँ, 1 सेकेंड का 11वां भाग। तो देखिए, अब हम क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें कम अमाउंट का लाइट इमेज में पड़ा। तो वैसे ही हम और इसे कम करते हैं, 1/18 सेकेंड के लिए मैं शटर स्पीड को ओपन रखता हूँ। तो देखिए, बहुत अच्छा इमेज आएगा और कम लाइट हमारे लेंस में पड़ेगा, आप ये इमेज देख सकते हो। तो गाइस, इसे कहते हैं शटर स्पीड। तो उसके बाद आता है वाइट बैलेंस। देखिए, इसे WB से डिनोट किया गया है और यहाँ पे देखिए 2000K दिया गया, जिसे केल्विन पढ़ते हैं। और देखिए, यहाँ पे 2000K से स्टार्ट हुआ है, लेकिन कैमरा में आपको 1000K से लेकर 10000K तक देखने को मिलेगा। वैसा ही 5000K से नीचे आएंगे तो हमें ब्लूइस्ट देखने को मिलेगा और
5000 से ऊपर जाएंगे तो आपको येलोइस्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल ये दिन की तरह काम करता है। वैसे आपकी इमेज में आपको वाइटनेस चाहिए तो आप 4000 से लेकर 6-7000 तक आप ट्राई कर सकते हो, और उससे नीचे जाओगे तो आपको ब्लूइस्ट देखने को मिलेगा, देखिए 2000 केल्विन पे, और आपको 6000 से ऊपर जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा येलो देखने को मिलेगा। तो आप इसे भी आप अपनी इमेज में कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसे मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाऊंगा। देखिए 4500 केल्विन पे देखिए बहुत अच्छा इमेज आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। वैसे आप भी इस प्रकार से अपनी इमेज का आप कलर चूज कर सकते हो, यानी वाइट बैलेंस, यानी आप अपने इमेज का कलर आप कंट्रोल कर सकते हो। तो हम एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। अगर आपकी फ़ोटो में आपको येलोइस्ट चाहिए तो आप 5000 से ऊपर चाहिए, देखिए बहुत ज़्यादा येलो दिख रहा है। वैसे ही आपको ब्लूइस्ट चाहिए तो आप अपने कैमरा के आप 5000 से नीचे आ जाइए तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लूइस्ट देखने को मिल जाएगा। इसे करते हैं ऑटो फोकस, हम इसे मैनुअल फोकस भी कर सकते हैं। देखिए अब मैनुअल फोकस पे आ गया, जैसे हम मैनुअल फोकस में करते हैं तो देखिए सामने जो एक ऑब्जेक्ट है, जो एक केबल है, सामने जो एक केबल है उसके अलावा बाकी साइड आपको ब्लर देखने को मिल रहा होगा, और वही जो एक ऑब्जेक्ट है उसे अभी फोकस किया है कैमरा, और जैसे हम उसे बढ़ाते जाएंगे वैसे देखिए पूरा बैकग्राउंड को भी ये फोकस कर रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस के बारे में। देखिए ऑटो फोकस पे हम जैसे क्लिक करते हैं ए एफ यहाँ पे शो हो रहा है, वैसे देखिए मैनुअल फोकस करेंगे तो ए एम एफ यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे कुछ नंबर दिया है। देखिए अब पूरा इमेज हमें ब्लर शो हो रहा है, और हमें किसी एक चीज़ पे फोकस करना है तो हम धीरे धीरे इस अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए अभी एक बस ये केबल पे फोकस किया है, ये केबल पे, और जैसे हम इसको पूरा बढ़ाएंगे तो देखिए पूरा बैकग्राउंड को भी ये फोकस करते जाएगा। तो यानी आप अपनी इमेज को फोकस करने के लिए आप ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का यूज़ कर सकते हो। जैसे हम पूरा इसको बढ़ाएंगे तो देखिए पूरा ब्लर शो हो रहा है। तो गाइस वैसे ही आप इस प्रकार से ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है ईवी। ईवी देखिए आईएसओ शटर स्पीड ये दोनों को एक ही साथ कंट्रोल करता है, तो आप ईवी का भी यूज़ कर सकते हो।